मेला दिलों का आता है और आके चला जाता है। तो साथियों, जैसा कि आपने मेला मूवी देखी होगी, उसी तरह हमारे भारतवर्ष में कई सांस्कृतिक उत्सव होते हैं, सांस्कृतिक प्रोग्राम होते हैं और सांस्कृतिक मेलों का भव्य तरीके से आयोजन किया जाता है। बड़े बड़े शहरों में नहीं, छोटे छोटे गांव देहात में भी आपको विभिन्न प्रकार के मेले, विभिन्न प्रकार के उत्सव, विभिन्न प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रम आपको देखने को मिलेंगे। इसी कड़ी में मैं इस समय मौजूद हूँ बुंदेलखंड के ग्राम कुसमिलिया में, जो कि एक जनपद जालौन में गाँव पड़ता है। यहाँ पर दो दिन लगातार भव्य दंगल का आयोजन किया जाता है और दंगल का आयोजन होने के तुरंत बाद ही यहाँ पर मेले का भव्य प्रोग्राम किया जाता है, मेले का आयोजन किया जाता है, ये लगातार लगभग 3 से 4 दिन चलता है। तो उसी जगह मैं इस समय मौजूद हूँ, ग्राम कुसमिलिया में। और ग्राम कुसमिलिया में आप देख सकते हैं, जैसा कि आप सामने दिखाई पड़ रहा होगा कि ग्राम कुसमिलिया का सामुदायिक शौचालय है और इस शौचालय के मैं जस्ट सामने खड़ा हूं। और जैसा कि आप देख सकते हैं, यहां पर विभिन्न प्रकार की दुकानें लगी हुई हैं, ये कुछ लोहे की और लट्ठी की दुकानें लगी हुई हैं। और साथ में आप इस तरफ देख सकते हैं कि कुछ मिट्टी के बर्तन हैं, पके हुए मिट्टी के बर्तन लगे हुए हैं। और इसी तरह हम आगे आपको ले चलेंगे मेले के अंदर। ये मेले का प्रवेश द्वार है, यहाँ से मेला स्टार्ट होता है और अंदर आपको विभिन्न प्रकार की दुकानें हम दिखाएंगे। तो निरंतर चैनल पर बने रहें। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें। और चलिए चलते हैं आगे वीडियो में। तो जैसा कि आपको सामने दिखाई पड़ रहा होगा, सामने से हाईवे है और हाईवे से ये लिंक रोड, इसी लिंक रोड होते हुए आप मेले में एंटर करेंगे। और मेले में हम दिखा रहे हैं आपको, ये पहली दुकान है मूंगफली की, यहाँ पे एक ठेली लगी हुई है, साथ में अमरूद बिक रहे हैं। और साथ ही साथ आपको ये मिट्टी के बर्तनों की दुकान आपको देखने को मिलेगी। हम जानने की कोशिश करेंगे दादाजी से कहाँ से आए हैं और कितने वर्ष से यहाँ तक लगातार आ रहे हैं। आपका स्वागत है दादाजी। राहत से आए हूँ। कहाँ से? राहत। राहत, कितने वर्ष से आ रहे हैं आप लगातार? 50 साल से। 50 साल हो गए हैं निरंतर आ रहे हैं। कैसा लगता है आपको मेले में आकर के? सामान बिक जाता है आपका? चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ में आप देख सकते हैं कुछ यहाँ पर हसिया है, कुल्हड़ी है वगैरह वगैरह की दुकान है। क्या नाम है आपका भैया? विक्रांत विश्वकर्मा जी। कहाँ से आए हैं आप? बनवाड़ी से। तो प्रतिवर्ष आते हैं? इसी वर्ष आए हैं। तो अभी कोई दुकानदारी हुई है? नहीं हुई है। हुई है? चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। एक और ये दुकानदार बंधु हैं। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। क्या नाम है आपका? रमेश। कहाँ से? बागीपुरा। ये किस जनपद में पड़ता है? राड के पास में। तो कितने वर्ष से आ रहे हैं आप यहाँ? 20 साल हो गए हैं। दुकानदारी ठीक ठाक होती है? कैसा महसूस होता है? कमेटी का साथ सहयोग मिलता है? जी जी, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आप देख सकते हैं, कुछ दुकानें उस तरफ भी लगी हुई हैं। अब हम चलते हैं आपको मेला प्रांगण के अंदर। एक यहाँ पर एक भैया हैं, पान वान वगैरह की दुकान लगा रखी है काफ़ी कुछ। जैसे कि मेले में कई सारी ज़रूरत की आवश्यकता पड़ती है, कई ऐसी वस्तुएं होती हैं जैसे कि साबुन है, तेल है वगैरह वगैरह, जो दुकानदार बंधु आते हैं बाहर से, उनको कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। अगर इस प्रकार की जो वस्तुएं हैं मेले में अवेलेबल नहीं होती हैं तो उनको काफ़ी दूर जाना पड़ता है। इस उद्देश्य को लेकर के दुकानदार बंधु दुकान लगा रखी है। आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। क्या नाम है आपका? शिव कुमार। शिव कुमार जी, कहाँ से हैं आप? रेहुटा से। एक किस जनपद में पड़ता है? हमीरपुर जिला। हमीरपुर जिला में पड़ता है। कितने वर्ष से आ रहे हैं यहाँ? 10-15 साल। 10-15 साल हो गए हैं। कैसा महसूस होता है यहाँ पर? बढ़िया। सभी का साथ सहयोग मिलता है? हाँ, सबका सहयोग। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही इस तरफ भी एक दुकान लगी हुई है और जानते हैं भैया से। क्या नाम है आपका? फूल सिंह साहब। कहाँ से आए हैं आप? रेहुटा। अभी रेहुटा से आए हैं। तो क्या कैसा महसूस करते हैं? कितने वर्ष हो गए आपको आते हुए? वर्ष हो गए करीब 20 साल तो हो गया। 20 साल हो गया आपको आते आते? तो बढ़िया, साथ सहयोग मिलता है। चलिए जी, बहुत बहुत धन्यवाद। एक दुकान और है यहाँ पर, जैसा कि आप देख सकते हैं,
क्या नाम है भैया आपका? मेरा गजेंद्र सिंह नाम है। गजेंद्र सिंह जी, कितने वर्ष से आ रहे हैं यहाँ पे? हमारे पापा को 40 साल हो गए। 40 साल से निरंतर आ रहे हैं? बिल्कुल आ रहे हैं, पापा एक्सपायर हो गए इसके बाद हमारा। जी जी जी, चलिए बहुत बहुत। एक और दुकान है यहाँ पर, कपड़े की दुकान है। दादाजी बैठे हुए हैं, साथी माइक वगैरह भी बराबर चला रहे हैं। एक और ये दुकान है, लोहे का सामान चम्मच वगैरह। यहाँ चाय नाश्ते की भी दुकान है, जैसा कि आप देख सकते हैं काफ़ी मिष्ठान वगैरह बना के रखा है दुकानदार बंधु ने। स्वागत है आपका हमारे चैनल दादाजी। क्या नाम है आपका? मंगल जी, कहाँ से आए हैं आप? दतिया, मध्य प्रदेश से आए हैं। कितने वर्ष से आ रहे हैं आप? 5 साल से आ रहे हैं। पाँच सात साल हो गए हैं। तो क्या 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 साथ सहयोग मिलता है यहाँ पे? कमेटी वगैरह सब सहयोग मिलता है, सभी सहयोग मिलता है। किसी प्रकार कोई दिक्कत समस्या? चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक दुकान और है साथ में, काफ़ी कुछ चेयर वगैरह है, जो कस्टमर बंधु आएंगे तो उनको खाने पीने में किसी प्रकार की दिक्कत समस्या ना हो। यहाँ पर ये चाइनीज आइटम है जिसको इंग्लिश में फ्रेंच फ्राई बोलते हैं और हिंदी में फिंगर चिप्स बोलते हैं। तो हम दुकानदार बंधु से आपको मिलाने जा रहे हैं। क्या नाम है आपका? फूल सिंह जी, कहाँ से आए हैं आप? बड़ा खाटा है, किस जनपद में पड़ता है? हमीरपुर में। कितने वर्ष से आ रहे हैं? आज किसी वर्ष आए? कोई दुकानदारी वगैरह हुई नहीं हुई है? किसी प्रकार की कोई दिक्कत समस्या तो नहीं है? चलिए चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आपका क्या शुभ नाम है? कहाँ से हैं आप? हम राज साइड से, नंदनाबाद पर। राज से आए हैं? तो कितने साल से आ रहे हैं? इसी वर्ष आए? 22 साल। 22 साल से आ रहे हैं? तो आपकी एज कितनी हो गई है? 32 साल। 10 साल से आ रहे हैं लगातार है? 10 वर्ष के होंगे अपन? हाँ। तब तो 22 साल हुए हैं आपको। चलिए, कैसा महसूस होता है यहाँ मेले में आकर? अच्छा महसूस होता है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। कौन प्रधान जी? प्रधान जी जो मेला लगवा रहे हैं। हाँ, प्रधान जी ने पूरा दंगा लगवाया है जी। प्रधान जी ने पूरा मेला की पूरी स्वच्छता करी जी, पूरी हर जगह झड़वाई करवाई, पूरी लगवाया। मेला बहुत अच्छी तरह लगा है प्रधान जी का। जी जी, चलिए बोल। लाखन राजपूत है हमारा नाम जी। आपका राजपूत जी हैं? यही कुशमिलिया से हैं क्या? कुशमिलिया से हैं सर। तो प्रधान जी कहाँ हैं इस समय? प्रधान जी हैं? प्रधान जी अभी थोड़ी देर में आने वाले हैं। चलिए जब आ जाएं तो बता देना, ठीक है? साथ में एक दुकान और है, मिठान वगैरह बेचते हैं, और एक कुछ फास्ट फूड की दुकान है। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। ओके सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है कमल कुमार। कमल कुमार जी, कहाँ से आए हैं आप? हमें उरई से। उरई से आए हैं? तो मतलब पहली बार साल आए हैं या पहले आ चुके हैं? मैं आ चुका हूँ, पहले मैंने 5-6 बार मेला कर लिया। 5-6 बार कर चुके हैं? तो कैसा साथ सहयोग मिलता है यहाँ ग्रामीण लोगों को? बड़गल चलता है सहयोग, बड़गल फॉरेस्ट की भी कमेटी रहती है, इधर कोई दिक्कत नहीं है जी। हाँ, प्रधान जी का भी बड़गल प्रोग्राम है, इधर किसी से कोई रुपया वसूला नहीं जाता है, सब जी जी फ्री काम होता है। कोई पैसा नहीं लगता, कोई पैसा नहीं लगता, किसी शुल्क रहता है, किसी को भी कुछ चीज़ की जरूरत भी हो वो मतलब हो। वो अच्छा, वो जो पुलिस प्रशासन वगैरह रहता है? हाँ रहता है, परमानेंट रहता है, रात में ड्यूटी लगती है जी जी। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। साथ में एक दुकान गुब्बारा वगैरह की है। क्या नाम है आपका? दशरथ। दशरथ जी कहाँ से आए हैं आप? कानपुर से, आज रामाबाई नगर कुखराया जी। कैसा महसूस हो रहा है यहाँ पर? मेला टाइम चल रहा है अभी, टाइम चला अभी स्टार्ट ही नहीं हुआ, आज से तो स्टार्ट होने वाला है। चलिए, कोई दुकानदारी हुई नहीं अभी? अभी होनी हुई, होनी हो गई है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। साथ में एक ये दुकान पानी पूरी चाट पकौड़े की है। क्या नाम है भैया आपका? कहाँ से आए हैं आप? मोहम्मदाबाद से। तो पहली साल आए हैं? पहले आ चुके हैं? पहले आ चुके हैं। हाँ, तो कैसा महसूस होता है यहाँ करके? कैसा लगता है यहाँ करके? अच्छा लगता है। कैसा लगता है? अच्छा लगता है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक यहाँ पर और है, चाइनीज आइटम भी है, फ्रेंच फ्राई वगैरह। और तो उनकी दुकानदार बंधु से जानते हैं। क्या नाम है आपका भैया? कहाँ से आए हैं आप? एक आप कुछ मिलिए कि हैं? तो कितने वर्ष से लग रहा है ये मेला? मेला तो काफ़ी वर्षों चल रहा है। समथिंग कितना साल हो गया होगा? हमको तो जैसे 4-5 साल हुए करते करते जी। चलिए, आपको ज़्यादा जानकारी नहीं है। एक ये दुकान और है, जैसा कि आप देख सकते हैं काफ़ी कुछ आइटम आपको मिलेंगे यहाँ पर। एक दुकान और है यहाँ पर, ये दुकान है जैसा कि आप देख सकते हैं, काफ़ी आपको जैसे कि पत्थर का कुछ आइटम चाहिए हो तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा।
अब हम यहाँ मेले में एंटर कर रहे हैं। मेले की ये पहली रास्ता है और यहाँ से मेला ग्राउंड स्टार्ट होता है। आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। क्या नाम है आपका? मणिराम। मणिराम जी कहाँ से आते हैं आप? उरई से आए हैं। तो कितने साल हो गए आते आते आपको? हो गए करीब 15-20 साल। 15-20 साल से। तो कैसा है यहाँ कमेटी का और गाँव वालों के साथ सहयोग मिलता है? पूरी तरीके से? कोई पैसा वैसा तो नहीं लगता? कुछ नहीं। और कैसा महसूस होता है यहाँ पर? बढ़िया ही लगता है। बढ़िया लगता है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक ये दुकान और है जैसा कि आप देख सकते हैं, काफ़ी वगैरह का आइटम है और ये काफ़ी लॉकेट वगैरह है, कुछ तो धार्मिक सामान है आपको मिल जाएगा। तो साथ ही इस समय मैं हूँ कुसमिलिया मेला ग्राउंड में। कुसमिलिया के इस समय मेला चल रहा है तो यहाँ से आप लाइव देख सकते हैं। एक ये दुकान और है। क्या नाम है भैया आपका? रंजीत पाल। रंजीत पाल साहब कहाँ से आए हैं आप? राट से आए हैं। तो पहले साल आए हैं या पहले आ चुके हैं? बहुत साल आ चुके हैं। तो कैसा महसूस होता है यहाँ पर आकर? बढ़िया महसूस होता है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक दुकान और है जैसा कि आप देख सकते हैं, दुकान काफ़ी आपको घर गृहस्थी का आइटम है, काफ़ी डेली उपयोग की चीज़ें हैं, साथ में कुछ खिलौने वगैरह भी हैं, बच्चों के भी आइटम हैं और जैसा कि आप देख सकते हैं। और सामने एक दुकान और है, चूड़ी की है और काफ़ी कुछ लकड़ी का आइटम है। और एक ये दुकान और है, काफ़ी कस्टमर बंधु हैं, बहन बेटियाँ हैं, यहाँ पर महिलाएँ हैं, काफ़ी घूम रही हैं। क्या नाम है भैया आपका? स्वामी। कहाँ से आए हैं आप? राट से। राट से आए हैं। कैसा महसूस हो रहा है यहाँ पर आकर के? ठीक है। ठीक है। बिड़िया क्या नाम है आपका? हैं? राधा। कहाँ से आए हैं? कपासी से। बुआ कपासी। और कैसा महसूस हो रहा है यहाँ पर आकर? अच्छा लग रहा है। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। क्या नाम है आपका? राहुल जी ये बताइए, आप तो अभी दुकान के बाहर बैठे हुए हैं, दुकान दुकानदारी नहीं हो रही क्या? दुकानदारी हो नहीं रही है, मेला तो काफ़ी चल रहा है। तो कैसा महसूस हो रहा है यहाँ पर आकर के? सही है, जो भी है बढ़िया ले। बढ़िया है। आपका क्या नाम है? मान जी। कहाँ से हैं आप? प्रॉपर उरई। उरई से हैं। क्या मेला देखने आए? कैसा महसूस हुआ आपको मेला घूम करके? पेट में दर्द हो रहा है। पेट में दर्द हो रहा है मेला घूमने के बाद? तो फिर टैबलेट लीजिए जाकर के। चलिए मिलाते हैं आपको एक और बंधु हैं, दुकानदार बंधु हैं उनसे। क्या नाम है आपका? सुखबीर सिंह। सुखबीर जी कहाँ से आए हैं आप? ग्राम आटा। आटा से आए हैं। क्या चीज़ बेच रहे हैं आप? एक साथ खाना, ज्वेलरी जी। हाँ, और जी सब श्रृंगार का आइटम सारा बेचते हैं। तो पहली साल आए हैं एक बार? नहीं, पहली साल आए हैं। तो कैसा महसूस हो रहा है यहाँ पर? देखते हैं, पहली साल आए हैं, क्या होता है समझ नहीं आ रहा। अभी तो फिलहाल मेला बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है जी। कुछ कहा जा सकता है, पहली बार आए हैं, देखो कैसा चलता कैसा चलता। चलिए चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी हम मेले के बीचों बीच पहली गली जो क्रॉस होती है, पहले चौराहे पर हैं। यहाँ से आप जैसा कि आप देख सकते हैं, इस तरफ से आप जाएंगे तो मेला ग्राउंड के अंदर आप प्रवेश करेंगे और इस तरफ से हम आए हैं, इस वाले रास्ते से आए हैं। काफ़ी दर्शक बंधु यहाँ पर मौजूद हैं। भाई तो मैं आ गया हूँ। आपका स्वागत है हमारे चैनल मंगल पे बट पर। मैं कुछ बोलना नहीं जानता सर, इसलिए बोलवाइए। आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। क्या नाम है आपका? चंद्र प्रकाश। चंद्र प्रकाश जी आप कहाँ से आए हैं? उरई से आए हैं। कैसा महसूस हो रहा है मेले में आकर? मेले में बढ़िया मेला लग रहा है जी। पिछले साल आप आए हैं पहले कभी किसी वर्षों में या पहली बार आए हैं? नहीं, 2-4 से 10 बार हो चुके कम से कम। अच्छा 10 साल हो गए हैं। तो ये कैसा साथ सहयोग मिलता है यहाँ ग्रामीण और मेला कमेटी का? बढ़िया सहयोग मिलता है जी जी, कोई बात दिक्कत नहीं है, ना कोई परेशानी है जी। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हमने वहाँ वाले रास्ते में
खोलकर के दिखाया था, अब हम वहाँ से आगे बढ़ाए हैं। और आगे आप जैसा कि आप देख सकते हैं सामने कृष्णा फास्ट फूड कॉर्नर के नाम से यहाँ पर एक बड़ी ही फैंसी दुकान लगी हुई है, जहाँ पे आपको कई विभिन्न प्रकार के जो आइटम है खाने पीने वो यहाँ पर अवेलेबल है। आपको समोसा मिल जाएगा, रोटी पकौड़ी है, चाट है, चाउमीन है, बर्गर है, इस तरह के विभिन्न प्रकार के यहाँ पर आइटम अवेलेबल हैं। तो अभी हम आपको मिलाने जा रहे हैं दुकानदार बंधु से और जानते हैं कि उनको क्या क्या समस्या हो रहा है। आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। क्या नाम है आपका? राहुल जी। कहाँ से आए हैं आप? राट से। तो पहले कभी आए हैं आप या पहली बार आ रहे हैं? पहले साल आ रहे हैं। तो कैसा महसूस हो रहा है यहाँ पर आकर? अच्छा महसूस हो रहा है, साथ सहयोग मिल रहा है यहाँ ग्रामीण? सब कुछ मिल रहा है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए अभी हमने दुकानदार बंधु से आपको मिलाया और अब हम आपको आगे ले चलते हैं। आगे चलिए, एक यहाँ पर ये दुकान है, पान की बढ़िया फैंसी दुकान है, चलती चलती फिरती हुई दुकान है। लेकिन जैसा कि आप देख सकते हैं काफ़ी इनके काफ़ी आइटम हैं, नन्हे मुन्ने भी इन्होंने लगा रखे हैं। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। क्या नाम है आपका? आपका सलमान नाम है सर जी हमारा। सलमान जी कहाँ से आए हैं आप? राट से आए हैं, गुलाब नगर से। गुलाब नगर राट से। हाँ सर। तो कैसा महसूस हो रहा है यहाँ पर? यहाँ बहुत अच्छा मेला लगा हुआ है जी, अच्छी भी दुकानदारी है, सभी लोगों का साथ मिल रहा है। चलिए चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। और यहाँ पर एक मटन की दुकान भी यहाँ पर आप देख सकते हैं, जैसा कि काफ़ी अच्छी दुकान है। स्वागत है सर जी आपका हमारे चैनल पर। क्या नाम है आपका? हमारा नाम कृष्ण कुमार। कृष्ण कुमार जी कहाँ से आए हैं आप? कौन से आए हैं? तो आप कितनी प्रतिवर्ष आते होंगे यहाँ पे? कितना साल हो गया आपको आते आते? पिताजी आपके बहुत साल है मान लो यार भाई साहब, कम से कम 40 साल है। 40-50 साल है। तो कैसा महसूस हो रहा है यहाँ पे? तो गड़बड़ दिखाई दे रहा भाई साहब। क्यों? अभी समझ में नहीं आ रही है तो बंदा। नहीं वैसे लोग तो कह रहे हैं कि आज से मेला स्टार्ट होगा। आज से अब देखो आज क्या पूरी सुनबंद। हाँ अभी तो मॉर्निंग का टाइम है, मेला स्टार्ट भी नहीं हुआ है। 2 बजे के बाद समझ में आ रहा है। लोगों का साथ सहयोग मिल रहा है यहाँ पर? जो मिलता है सो मिलता है भाई साहब, अपन तो दुकानदार है जी, अपन को तो कोई परेशानी का काम ही नहीं है, ना अपन गलत बोलते हैं ना गलत बुलाते हैं जी जी। हमारे पास तो ये है कि आप ले चीज़ अच्छी लगे तो ले जाओ, नहीं लगे तो भैया आप घर जाओ जी जी। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। दुकानदार बंधु से मिला है यहाँ पर। प्रशासन के काफ़ी जवान भी अपने ड्यूटी पर पूरी तरीके से मुस्तैद हैं। और जैसा कि आप देख सकते हैं काफ़ी यहाँ पर फास्ट फूड की काफ़ी दुकानें भी आप देख सकते हैं, काफ़ी दुकान यहाँ पर लगी हुई है। क्या नाम है भैया आपका? जीतन जी। कहाँ से आए आप? पुरैनी। एक किस जनपद में पड़ता है? हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट। हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट में। तो कैसा महसूस हो रहा है यहाँ पर आकर? चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक दुकान और यहाँ पर पास चुकी है, जैसा कि आप देख सकते हैं। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। क्या नाम है? अर्पण कुमार। थप्पड़ कुमार? अर्पण कुमार। अर्पण कुमार। चलिए चलिए सॉरी। तो कैसा महसूस हो रहा है यहाँ पर? बढ़िया लग रहा है। अच्छा बढ़िया है यहाँ पर? बढ़िया लग रहा है। अच्छा बढ़िया लग रहा है। लोगों का साथ सहयोग मिल रहा है? सहयोग बढ़िया, अच्छा सहयोग है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी कड़ी में आप जैसे कि आप देख सकते हैं काफ़ी कुछ दुकानें हैं। एक ही दुकान कैलेंडर पोस्टर की भी है और साथ साथ में यहाँ पर एक मूंगफली की भी दुकान लगी हुई है। चलिए आपका स्वागत है हमारे चैनल मंगल बैठ पर। मेरा नाम ज्ञानेंद्र कुमार गुप्ता है जी। गुप्ता जी मोहम्मदाबाद का रहने वाला हूँ जी। और कई वर्षों से यानी कि प्राचीन काल से बहुत समय से मेला लग रहा है यहाँ जी जी। तो हमारे यहाँ के प्रधान जी भी है, बहुत अच्छा सहयोग इस साल उन्होंने बहुत अच्छा इतना अच्छा सहयोग किया है जी कि शायद है कि अभी तक ऐसा सहयोग भी नहीं हुआ जी। तो प्रधान जी का क्या नाम है? उनका किस के नाम से जानते हैं हम लोग जी। के राजपूत जी है, उनका सहयोग बहुत अच्छा रहा इस समय। दंगल में भी उनका बहुत अच्छा 2 दिन बढ़िया उनका दंगल भी चला है। अच्छी बड़ी बड़ी महान महान कुश्तियाँ हुई है, जो कि बड़ी बड़ी कुश्तियाँ हुई है, 25-25 हज़ार तक की कुश्तियाँ हुई हैं जी जी। और बहुत दूर दूर से पहलवान भी आए हुए हैं। अच्छा कहाँ कहाँ से आए थे? ये समझ लो आप उत्तराखंड है और हमारे नेपाल की लड़कियाँ थी, लेडीज कुश्ती थी जी जी। बिहार की थी, लखनऊ की, इलाहाबाद, दिल्ली की जी, कानपुर, दरभंगा जाती, हर जगह की कुश्तियाँ थी, बड़ी बड़ी कुश्तियाँ भी थी जी जी। यहाँ की यहाँ तक की है कि हमारे प्रधान जी का यहाँ का बैकग्राउंड उन्होंने इतना अच्छा बनवाया है कि कभी नहीं बनवाया उन्होंने। साफ सफाई पहले प्रांगण मेला प्रांगण की उन्होंने बहुत अच्छा साफ सफाई अच्छी तरीके से करवाया और व्यवस्थाएं भी हमारे यहाँ की प्रशासनिक व्यवस्था भी उन्होंने अच्छी करवाई है जी जी। जिसमें यहाँ कोई भी किसी प्रकार का कोई भी लड़का हो चाहे लड़कों सब बराबर होना चाहिए जी जी। किसी को भी किसी प्रकार की कोई समस्या ना होना चाहिए। ये हमारे प्रधान जी ने अपने में बहुत अच्छा मतलब प्रांगण में सहयोग किया है और उनकी कमेटी भी बहुत अच्छी रही है। अच्छा इसके बारे में आपको जानकारी है ये मेला कब से स्टार्ट हुआ था? ये हुआ है 5 तारीख से स्टार्ट हुआ है। नहीं अभी नहीं मतलब स्टार्टिंग हम कह रहे हैं स्टार्टिंग अब मैं बता सकता हूँ कि हमारे हमसे पहले भी मतलब हमारे जन्म भी नहीं हुआ होगा इससे पहले भी काफी समय से प्राचीन का। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ फैंसी चप्पल है, जूते हैं, इस प्रकार से काफ़ी दुकानें लगी हुई हैं। और आप देख सकते हैं थोड़ा कंगन भी है यहाँ पर और काफ़ी अच्छी तरीके से उन्होंने दुकान लगाई है। और ग्रीन मैटी भी उन्होंने बिछा रखी है जिससे कि कस्टमर किसी प्रकार से दिक्कत ना हो। आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। क्या नाम है आपका? नाम है संजय। संजय जी कहाँ से आए हैं आप? डिस्ट्रिक्ट एटा से आए हैं। काफ़ी दूर से आए हैं, तो पहली बार आए हैं या पहले आ चुके हैं? पहली बार आए हैं। कैसा महसूस हो रहा है? अच्छा महसूस हो। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर काफ़ी पॉट्स वगैरह हैं, गमले हैं, आर्टिफिशियल फ्लावर की काफ़ी दुकानें हैं। अभी हम कोशिश कर रहे हैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा दिखाने की। जैसा कि आप देख सकते हैं काफ़ी फैंसी यहाँ पर गमले हैं, बहुत छोटे छोटे हैं
जिससे कि आपको अगर छोटी सी भी जगह हो वहाँ पर रखने में किसी प्रकार को आपको दिक्कत नहीं होगी। क्या नाम है आपका? आकाश गोस्वामी। आकाश गोस्वामी जी कहाँ से आए हैं आप? एरोली से। एरोली जिला झांसी, जनपद झांसी से। तो आप पहले आते रहते हैं? पहले आए थे, पिछली वर्ष आए थे। कैसा रिस्पॉन्स रहा? बढ़िया। लोगों का साथ सहयोग मिला? बढ़िया मिला। इस वर्ष कैसा महसूस हो रहा है आकर के? बढ़िया लग रहा। बढ़िया महसूस हो रहा है। क्या क्या रेट के गमले हैं आपके पास? देख लो, 80 के दो हैं, 50 के दो हैं, 100 के दो हैं। सब रेट के हैं? सब रेट के हैं। चलिए बहुत बहुत आप देख सकते हैं, जिस व्यक्ति को जो टेंट वगैरह बनवाना हो और उस प्रकार से मशीन लगा रखी है, विभिन्न प्रकार की आपको ड्राइंग मिल जाएगी। आप मन पसंद करके आप टैटू आप बनवा सकते हैं। और इनकी दुकान है चूड़ी की है, जनरल स्टोर की। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। क्या नाम है आपका? हमारा नाम है गफूर। गफूर भाई कहाँ से आए हैं आप? हमारा यहीं 3 किलोमीटर गांव है डकोर पड़ता है। डकोर से आए? तो आप तो कई लंबे समय से आ रहे होंगे। हाँ बहुत, हमारे दादा थे तब से आ रहे, दादा पर दादा से मेला जी। कैसा महसूस होता है मेले में आकर के? ये सबसे अच्छा मेला है बुंदेलखंड का, उस मेला में बहुत अच्छा सब मेला लगता है। जी जी। दंडल का भी होता है आयोजन और 2 दिन मेला का भी होता है जी। बड़े सुचारू रूप से होता है जी। कोई भी किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होती कोई दुकानदार को, ना कोई यहाँ कोई खानादर्जी नहीं। जी जी। चलिए बहुत। तो जैसे कि आप देख सकते हैं एक दुकान और है, इसमें थोड़ा सा क्रॉकरी है और कुछ वगैरह का सामान है। एक दुकान और है ये चूड़ी कंगन की। स्वागत भैया आपका हमारे चैनल पर। क्या नाम है आपका? जुगल किशोर जी। कहाँ से आए आप? धमनी से। धमनी से। तो पहले आप आए हैं या पहली बार आ रहे हैं? पहली बार। कैसा महसूस हो रहा है यहाँ पर? बढ़िया महसूस हो रहा है, लोगों को साथ मिला है यहाँ पे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक दुकान और है जैसे कि आप देख सकते हैं, एक दुकान ये काफ़ी यहाँ पर महिलाएं भी खड़ी हैं, जो महिला दर्शक है कस्टमर की, तो मेले को देखने खरीदारी करने आए हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं काफ़ी कुछ यहाँ पर गहमा गहमी है, काफ़ी कुछ भीड़ है। और जैसे कि आप देख सकते हैं, स्वागत है आपका हमारे चैनल। क्या नाम है आपका? रमाकांत जी। कहाँ से आए आप? बनवाड़ी से। कैसा महसूस हो रहा है आकर के? बढ़िया महसूस हो रहा है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। क्या नाम है आपका? नूर जहाँ। कहाँ से आए हैं आप? राड से। राड से। तो पहले आप आए हैं या कहाँ बताए? कई बार आ चुकी हैं। कई बार आ चुके और रोड़ाई की प्रदर्शनी में लगती है हमारी दुकान। अब कैसा महसूस हो रहा है यहाँ पर आकर? अच्छा महसूस हो रहा है। लोगों का साथ सहयोग मिला है, ग्रामीण लोगों का और कमेटी का? चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर एक दुकान और है, ये काफ़ी स्टील की दुकान है। हर माल 80 रुपये और जैसा कि आप देख सकते हैं हर माल 80 रुपये है। काफ़ी बड़ा बड़ा आइटम है मार्केट में, आपको 80 रुपये में वो सब सारे आइटम नहीं मिलेंगे जो यहाँ पर मिल जाएंगे। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। क्या नाम है आपका? राज सोनी। राज सोनी जी कहाँ से आए हैं आप? नौगांव से। नौगांव छानी। हाँ। ये शायद जनपद हमीरपुर में पड़ता है। छतरपुर। छतरपुर मध्य प्रदेश। तो कैसा महसूस हो रहा है यहाँ पर आकर? अच्छा महसूस हो रहा है, हर साल की अपेक्षा अच्छा लग रहा है। हर साल से ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो यहाँ पे कमेटी और ग्रामीणों का साथ सहयोग मिला है? बहुत अच्छी है। अच्छी है कमेटी। चलिए बहुत बहुत अच्छी है। जी जी। और एक दुकान और है, आर्टिफिशियल ज्वेलरी की दुकान है। जैसे कि आप देख सकते हैं काफ़ी ढेर सारी यहाँ पर आर्टिफिशियल ज्वेलरी आपको मिल जाएगी। जैसे आप देख सकते हैं काफ़ी कस्टमर भी महिलाएं यहाँ पर खड़ी हुई हैं। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। क्या नाम है आपका? नीला सोनी। नीला सोनी जी कहाँ से आए हैं आप? आप भी वहीं से आई हैं जहाँ से भैया आए हैं। कैसा महसूस हो रहा है मेले में आकर के? अच्छा महसूस हो रहा है। चलिए बहुत बहुत। और एक दुकान और है यहाँ पर, इंडियन रिंग शॉप के नाम से दुकान है। जैसे कि आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छी दुकान है। और एक जानवी बॉम्बे डायमंड ज्वेलर्स के नाम से दुकान है, काफ़ी अच्छी दुकान है। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। क्या नाम है आपका? कहाँ से आए हैं आप? राड से। आप भी आए हैं। कैसा महसूस हो रहा है मेले में आकर? बढ़िया महसूस हो रहा है। देख सकते हैं काफ़ी यहाँ पर काफ़ी लोगों का, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छी खासी भीड़ आपको देखने को मिलेगी मेले में। और जैसे कि आप देख सकते हैं एक दुकान है। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। क्या नाम है आपका? हैं मिस्टर निसार खान। कहाँ से आए हैं आप? राट मंगरा। कैसा महसूस हो रहा है यहाँ पर आकर? बहुत ही तगड़ा मेला है, बहुत बेहतरीन। चलिए चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक ही दुकान और है, काफ़ी भीड़ है। कहाँ से आए हैं हमारी आप? कहाँ से आई? राट से। कैसा महसूस हो रहा है मेले में आकर के? बढ़िया। चलिए बहुत बहुत। इस दुकान में भी काफ़ी भीड़ है जैसा कि आप देख सकते हैं। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। क्या नाम है आपका?
वसीम खान कहाँ से आए हैं आप? बीमार शानी, कैसा महसूस कर रहे हैं मेले में आकर के? दुकानदारी ठीक हो रही है नहीं हो रही है? अच्छा अच्छा, और मेला कमेटी ग्रामीणों का साथ सहयोग मिल रहा है आपको नहीं मिल रहा? चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये की दुकान हमारे हर माल 25 रुपये। एक यहाँ पर आप देख सकते हैं काफ़ी एक ट्रॉफी की दुकान है, एक यहाँ पर चप्पल एंड की दुकान लगी हमने आप देख सकते हैं। साथियों बस इस वीडियो में इतना ही। तो यदि आपको ये वीडियो पसंद आया उसको लाइक कर दें, कमेंट करके बताएं वीडियो कैसा है, और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में घंटी वाले बटन को प्रेस कर दें। इसी के साथ नमस्कार, बाय बाय, फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो नए टॉपिक के साथ, तब तक चैनल पर बने रहें, नमस्कार।